हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। मेरा नाम है मोनिश और आज हम लोग रिव्यू करने वाले शोरमा का, वो भी एक शोरमा नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, चार भी नहीं, पूरे पांच शोरमा रहेंगे और वो भी अलग अलग ब्रांड के। हमारे पांचों के पांच शोरमा, इसका नाम है ट्रू फलाफिल और ये रहा अरसलान का शोरमा और ये हमने मंगाया कार्टर ब्लू से और ये रहा सुल्तान का शोरमा और ये हमने मंगाया दी मैक से। हम जो पहले शोरमा लेने वाले हैं वो फलाफिल का है, ये रहा उसका पैकेजिंग। चलिए ओपन करके देखते हैं इसमें क्या क्या मिला है। पोस्टमार्टम कर रहे हैं, टाइट हो गया है। पहले मिला है मायो, इतनी छोटी डिब्बी में पैकेजिंग तो अच्छी लग रही है, प्रॉपर पैकेजिंग है। गर्म भी रहता है इसमें खाना ही बॉक्स की वजह से पूरा। चलिए ओपन कर लेते हैं और टेस्ट करके बताते हैं आपको। चलिए अब टेस्ट कर लेते हैं। ये देख लीजिए दिखने में कैसा है, अंदर पूरा भरा हुआ है चिकन से। अच्छा हुआ है पूरा रैप तो। चलो टेस्ट करते हैं। चलो टेस्ट करके देखते हैं। अच्छा है, नया में भी डालते एक बार देख लेते कैसा क्या। अच्छा है और मेरे को इसकी ज्यादा एक बात अच्छी लगी है कि इसमें ज्यादा मेयोनीज नहीं डाला हुआ, तो मतलब वेजीज का प्रॉपर चिकन का फ्लेवर आ रहा है। मतलब कुछ कुछ शोरमा में बहुत सारा ज्यादा ही मेयोनीज डाल देते हैं, उसकी वजह से मेयोनीज हो जाता है, लेकिन इसमें कम मेयोनीज डाला हुआ है तो उसकी वजह से वेजीज का भी टेस्ट आ रहा है, चिकन का भी अच्छा टेस्ट आ रहा है। अब बारी आ चुकी है सुल्तान शोरमा की। मेरा ये आसानी से खुल गया, टिश्यू पेपर, शोरमा कहानी खत्म। अरे तेरी भाई, ये रूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो चलिए अब टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। चलिए करते हैं, देखते हैं। स्टफिंग तो अच्छी की हुई है पूरी अंदर तक, देख लीजिए। अब टेस्ट करके देखते हैं कैसा क्या रहता है। सेजवान मायो डाला हुआ है इसमें, सेजवान मायो है। बाप रे क्या टेस्ट है, एकदम यूनिक टेस्ट आ रहा है। अच्छा, और इसमें ऐसा लग रहा है मिंट का भी कुछ वो सॉस या कुछ डाला गया है मिंट का, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। और मतलब थोड़ा कीमा टाइप का चिकन नहीं होता, छोटी छोटी पीसेस में किए थे वैसा टाइप का फ्लेवर आ रहा है। और वेजेस भी पड़ी है, ऑनियन, टमेटो, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पड़ी हुए। अच्छा है टेस्ट में। बारी आ चुकी है कार्टर्स ब्लू की। चलिए देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। पैकेजिंग में आउटसाइड में बस स्विगी का पैकेजिंग लग रहा है। हमें दिया गया है क्या, ये बीट रूट है ना, और ये मायो दिया गया, बीट रूट है और एक स्पून मिला है मायो और स्पून, और ये रहा, ये रहा कार्टर्स ब्लू का शोरमा। और आप देख सकते हैं कि दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। चलिए अब इसे टेस्ट कर लेते हैं, ये टेस्ट में वैसा दमदार है कि नहीं जैसे ही दिखने में। डबल पैकेजिंग, डबल और काम बढ़ गया, दो बार निकालना पड़ रहा है।
टेस्ट में तो ये ठीक है, ओके ओके, पर मुझे खा के ऐसा लगा कि इसमें वेजेस कुछ ज्यादा ही है। चिकन का टेस्ट कम आ रहा, मतलब चिकन वेजेस से कम है और वेजेस ज्यादा है। लेकिन फ्लेवर के मामले में तो टेस्ट एकदम सही है, बाकी बैलेंस है, फ्लेवर एकदम बैलेंस है, चिकन का भी बराबर आ रहा है और वेजेस का भी है, लेकिन वेजेस कुछ ज्यादा ही है, चिकन हल्का सा कम है, लेकिन फ्लेवर एकदम बैलेंस है, ना ज्यादा ना कुछ कम, एकदम अच्छे से टेस्ट आ रहा है और मायो भी एकदम कम ही डाला हुआ है। पर अक्सर चिकन ज्यादा होना चाहिए शोरमा में, मतलब वेजेस डालना चाहिए पर चिकन टच देने के लिए। अब कैसा ये वाले शोरमा में ऐसे कि 50% वेजीज है और 50% चिकन है, क्योंकि ऐसा नहीं रहना चाहिए सर, 80% चिकन है तो 20% में वेजीज डाल सकते हैं, पर इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आधा वेजीज भरे और आधा चिकन भरा हुआ है। अब बारी आ चुकी है अरसलान शोरमा की, चलिए अब देखते हैं कि वो टेस्ट में कैसा है। ये रहा अरसलान का शोरमा, चलिए देखते हैं इन्होंने अंदर क्या क्या लिया हुआ। वाओ, इतना सारा इंग्रेडिएंट, बहुत सारे, अरे वाह, ये क्या है? बहुत सारा इंग्रेडिएंट, सिर्फ शोरमा मिला है, ना कोई टिश्यू पेपर, ना कुछ भी, ना दूर दूर तक दूर दूर तक कोहरा ही कोहरा दिख रहा है, कोहरा ही कोहरा है। हम लोगों ने टेस्ट कर लिया अरसलान का शोरमा, मुझे टेस्ट में तो ये काफी अच्छा लगा, बस मेन चीज वो है कि इसमें ना थोड़ा मायो ज्यादा है, जो मतलब चिकन का जो फ्लेवर है ना वो थोड़ा दब गया उसके वजह से, क्योंकि जो चिकन पे मसाला लगाते हैं हम लोग तो वो बना रहना चाहिए, वो मायो के वजह से वो चिकन पे जो मसाला लगता है ना उसका फ्लेवर कम, फ्लेवर बैलेंस करने के लिए मायो डाला जाता है, लेकिन मायो बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्रा डाल दिए, मैं एक्स्ट्रा डाल दिए। अब बारी आ चुकी है द मैक शोरमा की, अब देखते हैं उसमें क्या क्या मिला है हमें। ये तो पहले टिश्यू पेपर दिया है वो लोगों ने, और ये शोरमा तो काफी बड़ा लग रहा है, मतलब साइज में बहुत हैवी लग रहा है, भारी है, और उसके साथ मिला ये सेजवान चटनी है और ये रहा अपना मायो। चलिए अब इसे टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसा है टेस्ट में। अब बारी आ चुकी है इसे टेस्ट करने की, अब टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा क्या टेस्ट है, चलिए टेस्ट करते हैं। और ये देख लीजिए दिख कैसा रहा है अंदर से, कितनी स्टफिंग है चिकन की और कितना वो सेजवान मायो डाला गया है, ओवर ही डाल दिया है, दिखने में ही पता चल रहा है पूरा ओवर डाल दिया। अब टेस्ट कर लेते, वैसा ना लगे तो अच्छी बात है। बहुत ज्यादा ही डाल दिया, मेयोनीज बहुत ज्यादा डाल दिया है इसमें चिकन में, और चिकन का फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, पर चिकन का टेस्ट अच्छा आ रहा है, वेजिस का भी अच्छा आ रहा है, लेकिन मेयोनीज बहुत ज्यादा डाल दिया है है मायो, पर पता नहीं चल रहा क्योंकि इसमें जो चिकन का फ्लेवर आ रहा है ना बहुत टेस्टी आ रहा है एकदम, मतलब चिकन तंदूरी नहीं रहते वैसे टाइप का फ्लेवर आ रहा है, एकदम स्पाइसी मुझे मेरे हिसाब से तो मुझे अच्छा लगा। मायो थोड़ा सा ज्यादा था पर एक्स्ट्रा नहीं था कि हद से ज्यादा है, और जो चिकन का जो फ्लेवर है ना देखो उसमें मजा आ गया खा के। अब बारी आ चुकी है, हम लोग ने सब तो टेस्ट कर लिया, अब बता देते हैं कि हमें कौन सा बेस्ट लगा, मैं मेरा ओपिनियन बताऊंगा, भाई अपना ओपिनियन बताएगा। तो जो मुझे सबसे ज्यादा टेस्टी लगा, मुझे द मैक का जो हम लोग ने लिए थे एक शॉप है नॉर्मल यही पास में है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लोकेशन डाल दूंगा, मुझे वो शोरमा काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि उसमें मायो थोड़ा सा ज्यादा था, तो जो उसमें चिकन का फ्लेवर था ना वो एकदम चिकन तंदूरी टाइप आ रहा था जो शोरमा में बहुत कम देखने को मिलता है, तो उस वजह से मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो ये मेरा फर्स्ट था, और फिर जो सेकंड पे वो अरसलान का शोरमा रखूंगा क्योंकि उसका भी अच्छा था, मायो थोड़ा ज्यादा था पर मतलब फलाफल वाले से तो अच्छा ही था, मेरे को उससे ठीक लगा क्योंकि चिकन ठीक था, थोड़ा बहुत मायो 19-20 चलता है तो मेरे हिसाब से वो भी ओके था। और मेरे हिसाब से मेरे लिए पहले पे तो फलाफल ही है, थ्रू फलाफल में पहली बात तो मुझे इसलिए अच्छा लगा कि उन्होंने मायो कम डाला था, तो उसकी वजह से वेजी और चिकन का फ्लेवर अच्छे से आ रहा था,
प्रॉपर से कि मतलब आप बता सकते हो वेजीज के वेजीज का फ्लेवर कैसा था और चिकन का फ्लेवर। मायो हमेशा बैलेंस, पूरा बैलेंस था, हम लोग का फ्लेवर चिकन मायो सब बैलेंस था। और रैप भी उनका, पैकेजिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और सेकंड मेरे लिए तो सुल्तान का था, और उनमें भी बैलेंस फ्लेवर लगा मेरे को, इतना मायो नहीं था, वेजीज भी प्रॉपर थी, सब अच्छे से था। और सेकंड थर्ड के लिए तो मेरा थर्ड, मेरे को यही तो अच्छे लगे, बाकी मेरे को तो इतना कुछ खास नहीं लगा, मेरे लिए यही दो बेस्ट। रिव्यू तो हो चुका है, अभी मुझे बस इतना कहना है लास्ट में कि जो मेरे हिसाब से और इसके हिसाब से हम लोग ने रिव्यू दिया, क्योंकि हम दोनों ने अलग अलग दिया। अभी इसको कैसा है कि इसको ना थोड़ा मायो एकदम कम चाहिए रहता है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे मतलब 19-20 भी रहेगा, पर चिकन का फ्लेवर आएगा तो मुझे वो पसंद ही आएगा, थोड़ा बहुत मैं मतलब बोलते ना चलेगा, मुझे थोड़ा बहुत मायो एक्स्ट्रा रहेगा, पर जो फ्लेवर है मुझे वो आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मायो एकदम कम रहेगा तो वैसा कुछ है, पर इसको एकदम मायो कम चाहिए रहता है, तो इसने अपने हिसाब से बता दिया। और मेरे को 19-20 चलता है, तो अपना तो वैसे ही है। अगर आपको टेस्ट करना है तो आप पांचों टेस्ट कर सकते हो, ऐसा कोई है नहीं कि इसके ओपिनियन पे जाइए, मेरे ओपिनियन देखो पांचों टेस्ट कर सकते हो। वही, ऐसा नहीं कोई बुरा था, सब अच्छा ही था। हाँ, क्योंकि शोरमा ही है, मतलब चिकन तो डालेंगे, सब अच्छा था। किसी में चिकन ज्यादा रहेगा, किसी में वेजी ज्यादा रहेगी, किसी में मायो ज्यादा रहेगा, किसी में बस आपके ऊपर है, आपको कम मायो चाहिए या थोड़ा बहुत चलेगा, पर टेस्ट ज्यादा चाहिए तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, और फिर आप जो चाहिए वो खा सकते हैं। और क्या, रिव्यू तो पूरा हो चुका है, अब मैं ये चाहता हूँ आपसे कि आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज पर चाहिए, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियोस बना सकूं। और तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जितना हो सके, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, और प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बाय, थैंक यू।